डियर स्टूडेंट्स, औरंगजेब की नीतियों के बारे में मैंने बार बार यह बताने का प्रयास किया है कि किस तरह औरंगजेब की जो शासन करने की नीति थी वह इस्लामी राज्य की स्थापना के लिए थी तथा वह इस्लामी शरीयत के अनुसार ही शासन करना चाहता था, क्योंकि वह चाहता था कि वह भारत में आदर्श इस्लामी राज्य स्थापित करे और इस आदर्श की स्थापना में राजपूत शासक बड़ी बाधा थे, क्योंकि राजपूत शासक नहीं चाहते थे कि भारत में औरंगजेब इस्लामी शरीयत के अनुसार शासन करे। वे भारत में अकबर के समान उदारवादी और सहिष्णुतापूर्ण शासन व्यवस्था चाहते थे। दूसरा कारण यह भी था कि राजपूत शासक स्वयं को हिंदू धर्म के संरक्षक या एक प्रकार से प्रतिनिधि मानते थे और ऐसी स्थिति में औरंगजेब द्वारा उन्हें कम महत्व प्रदान करना उनके लिए एक प्रकार से अपमानजनक था। दूसरा, औरंगजेब की नीति यह थी कि वह यह चाहता था कि राजपूतों की शक्ति नष्ट हो जाए और धीरे धीरे राजपूत राज्यों को मुगल साम्राज्य में विलय किया जाए। औरंगजेब के समय राजस्थान में दो प्रमुख राजपूत शासक थे, या हम ये कह सकते हैं दो प्रमुख राजपूत राज्य थे, जिनमें एक था मारवाड़ और दूसरा आमेर। आमेर का जो राजा था मिर्जा जयसिंह तथा उस समय मारवाड़ का राजा था जसवंत सिंह। ये दोनों राजपूत शासक शाहजहां के समय उच्च पदों पर आसीन थे, इन्हें उच्च मनसब प्राप्त थे। अब औरंगजेब की राजपूतों के प्रति जो नीति रही, उस नीति में जो महत्वपूर्ण पड़ाव आए, उनमें राजपूतों की भूमिका क्या रही, इस संदर्भ में हम चर्चा करना चाहेंगे। सर्वप्रथम यह प्रश्न उठता है कि जब उत्तराधिकार युद्ध हुआ तो उसमें राजपूतों की भूमिका क्या रही। असल में कुछ प्रमुख राजपूत राजाओं ने यद्यपि उत्तराधिकार युद्ध में दारा का साथ दिया था, परंतु औरंगजेब की कूटनीति के कारण बाद में जयसिंह ने औरंगजेब का समर्थन किया और साथ ही साथ जसवंत सिंह को भी औरंगजेब ने प्रलोभन देकर अपने पक्ष में कर लिया था। इस तरह उत्तराधिकार युद्ध में राजपूतों की जो भूमिका रही वह अगर स्पष्टतः दारा के पक्ष में होती तो संभवतः औरंगजेब बादशाह नहीं बन पाता और दारा संभवतः भारत का सम्राट होता। इस कारण जो राजपूतों की उत्तराधिकार युद्ध में स्पष्ट नीति नहीं रही, उन्होंने पूर्णतया पूर्ण मनोयोग से दारा का साथ नहीं दिया। उसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब की कूटनीति सफल हुई और एक कट्टरपंथी धार्मिक उन्मादी शासक भारत का बादशाह बन गया। ऐसी स्थिति में कालांतर में राजपूतों और औरंगजेब के बीच खटास उत्पन्न होना स्वाभाविक था, क्योंकि औरंगजेब की नीति इस्लामी शासन को स्थापित करने की थी, जबकि राजपूत एक प्रकार से उदारवादी शासन चाहती थी। औरंगजेब ने जब बादशाह बन गया तो
बादशाह बनने के पश्चात औरंगजेब ने यह प्रयास किया कि वह किसी तरह मारवाड़ तथा आमेर को दुर्बल कर दे और इन्हें दुर्बल करके वह राजपूतों की शक्ति को कमजोर करना चाहता था। उसने एक प्रच्छन्न उनके विरोध की प्रच्छन्न नीति अपनाई और जिससे वह इन दो राजपूत राज्यों को कमजोर करना चाहता था। धीरे धीरे औरंगजेब ने हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने के कारण जसवंत सिंह को उसने एक प्रकार से मुगल साम्राज्य का आश्रित बना दिया था। हिंदुओं के जबरन धर्म परिवर्तन के कारण यद्यपि उसका विरोध तो हुआ, परंतु ऐसी स्थिति में जबकि जसवंत सिंह खुला विद्रोह नहीं कर सका और औरंगजेब के साथ बना रहा, परंतु औरंगजेब ने जसवंत सिंह को अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर कर ही दिया था। तो इस तरह अपनी कूटनीति के द्वारा औरंगजेब ने आमेर तथा मारवाड़ को कमजोर करने का प्रयास किया। उसने राजा जय सिंह को भी समाप्त करने का प्रयास किया और अंततः अपने कुटिल प्रयासों के कारण वह राजा जय सिंह को समाप्त करने में सफल रहा। ऐसा संदेह किया जाता है कि उसने राजा जय सिंह को 1667 ईस्वी में संभवतः विष देकर मरवा डाला था। धीरे धीरे राजपूत शासक कमजोर होते गए और कुछ समय बाद जब जयसिंह तथा जसवंत सिंह की भी मृत्यु हो गई तो राजस्थान में कोई प्रतापी शासक नहीं रहा। ऐसी स्थिति में उसने हिंदुओं पर पुनः जजिया लगाया और राजपूतों को कमजोर किया। जसवंत सिंह की मृत्यु के पश्चात औरंगजेब ने मारवाड़ को मुगल साम्राज्य में मिला दिया और यह तर्क दिया कि जसवंत सिंह का कोई पुत्र नहीं है। साथ ही साथ उसने मारवाड़ के विभिन्न मनसबदारों में जो है अब स्वयं वहां जाकर अजमेर जाकर विभिन्न पद बांटे और उन्हें अपनी ओर मिला दिया। उसने मारवाड़ में मंदिरों को तोड़कर ध्वस्त कर दिया, मूर्तियों को गाड़ियों में भरकर दिल्ली भेजा गया और एक प्रकार से मारवाड़ के राजवंश को अपमानित कर दिया। ऐसी स्थिति में मारवाड़ के राजपूत औरंगजेब के विरुद्ध हो गए और उन्होंने दुर्गादास के नेतृत्व में विद्रोह कर दिया। जब जसवंत सिंह के परिवार को दिल्ली लाया गया तो उस जसवंत सिंह की विधवाओं ने फरवरी 1679 ईस्वी में दो पुत्रों को जन्म दिया। उनमें से एक की मृत्यु हो गई और दूसरा अजीत सिंह जीवित रहा और वह मारवाड़ का राजा बना दिया गया। अब इस तरह जब जसवंत सिंह के उत्तराधिकारी का जन्म हो गया तो औरंगजेब की नीति एक प्रकार से औरंगजेब को अपनी नीति में परिवर्तन करना पड़ा। उसने मुगल हरम में अजीत सिंह के पालन पोषण की जिम्मेदारी दी और कुछ इतिहासकारों का मानना यह है कि वह चाहता था कि अजीत सिंह इस्लाम स्वीकार कर ले। जब राजपूत वीर दुर्गादास को यह आभास हुआ कि औरंगजेब जबरन अजीत सिंह को मुसलमान बनाना चाहता है तो उन्होंने अजीत सिंह को मुगल हरम से ले जाने का प्रयास किया, निश्चय किया और वह अपने प्राणों की बाजी लगाकर अजीत सिंह को रानियों सहित जोधपुर ले जाने में सफल हुई। यद्यपि इस संघर्ष में कई राजपूतों का खून बहा और इस तरह मारवाड़ ने जो है औरंगजेब से युद्ध किया, संघर्ष किया और इस संघर्ष में कई राजपूत सैनिक मारे गए। क्योंकि अजीत सिंह की मां मेवाड़ की राजकुमारी थी इसलिए जब अजीत सिंह के विरुद्ध
मुगल संघर्ष हुआ, या हम ये यूं कहें कि मारवाड़ के सैनिकों ने जब मुगलों के विरुद्ध संघर्ष किया तो मेवाड़ ने भी जो है अजीत सिंह का साथ दिया, मारवाड़ का साथ दिया और उन्होंने भी मुगलों के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। औरंगजेब ने मेवाड़ के राणा के विरुद्ध सेना भेजी। राणा को यद्यपि पहाड़ियों में शरण लेनी पड़ी परंतु यह छापामार युद्ध चलता रहा। राजपूतों के छापामार युद्ध में औरंगजेब विजय प्राप्त करने में असफल रहा और इसका परिणाम यह हुआ कि संघर्ष लंबा चलता रहा। ऐसी स्थिति में औरंगजेब का पुत्र जो शहजादा अकबर था वह औरंगजेब की राजपूत नीति को लेकर असंतुष्ट था। शहजादा अकबर अपने पिता की नीति को तुच्छता तथा निस्सारता की नीति समझता था। वह चाहता था कि उसका पिता अकबर की तरह ही धार्मिक सहिष्णुता की नीति अपनाए और राजपूतों व हिंदुओं से सहयोग करे। अकबर का मानना था कि जो हिंदुओं द्वारा विद्रोह हो रहे हैं वह औरंगजेब की धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण हो रहे हैं, इसलिए अकबर शहजादा अकबर पुनः अपने पूर्वजों के समान सहिष्णुता की नीति और राजपूतों से सहयोग करने की नीति अपनाना चाहता था। ऐसे में राजपूत राजाओं ने भी अकबर का साथ देने का निश्चय किया और ऐसी स्थिति में जब अकबर को लगा कि राजपूत उसके साथ हैं तो उसने औरंगजेब के विरुद्ध खुला विद्रोह कर दिया और 1681 में स्वयं को सम्राट घोषित कर दिया। उस समय औरंगजेब अजमेर में था और उसने विद्रोह को दबाने हेतु सेना भेजी और साथ ही साथ औरंगजेब ने चतुराई से अकबर के समर्थकों के बीच फूट डाल दी। इस प्रकार जो राजपूत सेनाएं थी वो फूट के कारण अकबर का साथ छोड़कर चली गई और ऐसी स्थिति में औरंगजेब को बिना युद्ध के ही सफलता प्राप्त हो गई। यद्यपि बाद में राजपूत नायक दुर्गादास को पता हो गया कि औरंगजेब की यह चाल है, परंतु दुर्गादास भी समय कुछ न कर सका और बाद में दुर्गादास अकबर को शिवाजी के संरक्षण में रखने के लिए दक्षिण चला गया। इस तरह शहजादा अकबर का विद्रोह असफल हो गया। अकबर के विद्रोह से औरंगजेब यह समझ गया कि राजपूतों के साथ संघर्ष करने में कोई बुद्धिमानी नहीं है, अतः उसने मेवाड़ से पुनः संधि करने का प्रयास किया और मेवाड़ से संधि कर दी। उसने मेवाड़ से मुगल सेनाएं हटा दी और मेवाड़ के राणा को 5,000 का मनसब देकर उसके पुत्र को राजा की उपाधि दे दी। इस तरह राजपूतों और औरंगजेब के बीच संघर्ष चलता रहा। यद्यपि राजपूत औरंगजेब के विरुद्ध पर्याप्त सफलता प्राप्त नहीं कर सके, परंतु यह स्पष्ट हो गया था कि औरंगजेब और राजपूतों के संबंध अब पहले की तरह मधुर नहीं रहे। इसका परिणाम यह हुआ कि औरंगजेब की जो कट्टरपंथी नीति थी उसके कारण औरंगजेब भी चैन से शासन नहीं कर सका और उसकी राजपूत नीति एक प्रकार से पूर्णतया असफल रही। औरंगजेब की राजपूत नीति के संदर्भ में लेन पूल ने लिखा है कि जब तक कट्टरपंथी औरंगजेब अकबर के सिंहासन पर बैठा रहा, एक भी राजपूत राजा उसे बचाने के लिए अपनी उंगली तक उठाने को तैयार नहीं था और औरंगजेब को अपनी दाहिनी भुजा खोकर दक्षिण के शत्रुओं के साथ युद्ध करना पड़ा। अर्थात पहले जो राजपूत मुगल सम्राट की दाहिनी भुजा होते थे तो औरंगजेब ने अपनी असफल राजपूत नीति के कारण वह दाहिनी भुजा खो दी और अकेले ही उसे दक्षिण में संघर्ष करना पड़ा। दक्षिण में औरंगजेब की नीति सफल नहीं रही और अंततः उसे असफल होना पड़ा। तो इस तरह औरंगजेब की कट्टरता की और धार्मिक असहिष्णुता की नीति के कारण राजपूतों से उसके संबंध निरंतर
मतभेदपूर्ण बने रहे और उसकी राजपूत नीति एक प्रकार से पूर्णतया असफल रही।